डियर स्टूडेंट, आज भी हम कुछ क्वेश्चंस पॉलिनोमियल बेस्ट ही देखेंगे। नाइन्थ क्लास के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसका क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है। आपको वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। कैसे वेरीफाई करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत ईजिली वे में करेंगे, इसको एलएचएस मान लिए और इसको आरएचएस बना लिए। आइए इसको देखते हैं, इसको आरएचएस से सॉल्व करेंगे। आरएचएस आपका क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या करें, इसका मीनिंग है कि इसे इसको मल्टीप्लाई करना। बिल्कुल इजी तरीका से समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से। एक्स यहां एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस एक्स वाई लिख दिए, प्लस एक्स वाई स्क्वायर लिख दिए, सॉरी वाई स्क्वायर ही रहने दिए। फिर आपका क्या बचा, प्लस वाई, और फिर से इसको लिख दिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो फॉर्मेशन होता है, उसी फॉर्मेशन से इसको हम समझा रहे हैं। तो अब क्या हो गया आपका, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो गया। इस टर्म को यहां लिखे हैं, इस टर्म को यहां लिखे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका हो गया एक्स क्यूब, इसको इसे करेंगे, ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई, और इसको इसके साथ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसको इससे करेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और इसको इसके साथ करेंगे आपका हो जाएगा प्लस वाई क्यूब। ध्यान से देखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और यहां प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहां पे क्या है, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, ये भी आपका कैंसिल हो गया। यहां क्या बच गया आपका, एक्स क्यूब माइन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आपका एलएचएस आ गया, आपका सोल्यूशन हो गया। इसी से रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, लेकिन उस सेम क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, दे देंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, प्रूव दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब इक्वल टू सॉरी जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू वन बाई टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको वेरीफाई करना है, आइए देखते हैं कैसे होगा। इसको एलएचएस से सॉल्व करेंगे, ये आपका एलएचएस है, एलएचएस से आरएचएस को प्रूफ करते हैं। तो आपका एलएचएस क्या है, आपका एलएचएस क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम इसमें क्या कर रहे हैं, सॉरी डियर स्टूडेंट, देखिए हम इस क्वेश्चंस को आरएचएस से सॉल्व करते हैं। एलएचएस से सॉल्व करना बिल्कुल इजी है, लेकिन हम आरएचएस से आपको एलएचएस दिखाना चाहते हैं। तो जैसे कि आपका आरएचएस क्या है, इसको देख लीजिए, आपका आरएचएस है वन बाई टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका आरएचएस है। देखते जाइए, बिल्कुल इजीली करेंगे, ये वन बाई टू हो गया, ये आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही रहा। अब इस पे ध्यान दीजिए,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख दें, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी या प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दोनों प्रोसेस से लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पे माइनस टू एक्स वाई है, यहां पे टू वाई जेड है और यहां पे टू एक्स जेड है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, यहां जेड स्क्वायर, ये सम हो जाएगा। तो एक स्टेप और लेकर चलते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड और माइनस टू जेड एक्स, ये आपका हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, इसको अरेंज करेंगे हम, और किस प्रकार से अरेंज करते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इस सब में टू है, यहां भी टू, यहां भी टू, सब में टू है, टू कॉमन निकाल लिए, तो जब टू कॉमन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको तो वन बाई टू ही रहने दिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिए, यहां से टू कॉमन निकाल लिए, तो टू कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये टू से टू कैंसिल हो गया। अब क्या कर सकते हैं आप, इसको इस पूरे से इंटू कीजिए, तो इंटू कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं, इंटू करते हैं, तो एक्स से इसको इंटू करेंगे, मीन्स पूरे एक्स से पूरे को होल का इंटू करेंगे, तो आपका आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स से इसको करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। फिर वाई से करेंगे तो y से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लस y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस आपका एक क्या बच गया एक्स वाई जेड, और एक जेड वाला टर्म बचा है लास्ट का, तो जेड वाले टर्म से भी करते हैं, तो प्लस एक्स एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, यही आपका टर्म है। इसमें से आप ध्यान से देखिएगा तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर का टर्म कहीं मिस्टेक हो गया है डियर फ्रेंड, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा,
यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे आपका होगा एक्स वाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। ये एक्स जेड स्क्वायर है तो कहीं एक्स जेड स्क्वायर भी होगा नेगेटिव में, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे है आपका ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर वाई है यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म भी एक्स स्क्वायर वाई माइनस पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर वाई मीन्स ओवरऑल सारा का सारा कैंसिल करना है। एक्स स्क्वायर वाई दिख नहीं रहा है, ऐसे आप लोग इसको देख के फाइनली कैंसिल कर लीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, यहाँ ये कैंसिल हो गया, अब कुछ कैंसिल होना नहीं बचा, तो आपका जो बच्चा है वो क्या बच्चा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ये एक्स वाई जेड यहाँ है एक, माइनस यहाँ भी एक्स वाई जेड है और एक एक्स वाई जेड यहाँ है, और तीनों के तीनों माइनस में मीन्स प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका थ्री एक्स वाई जेड, ये आपका LHS आ गया। और LHS से भी इसका आंसर आ सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो इसका LHS से भी हम आंसर देंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, प्रूफ क्या करना है आपको, या शो करना है, वेरीफाई करना है, कुछ भी वर्ड हो सकता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स जेड, कैसे इसको सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले इस टर्म पर ध्यान दीजिए, ये टर्म क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एवरी ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, NCERT से ही क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। तो इसमें आपको क्या मिला, इसको हम क्या करते हैं, इसमें जेड को बाहर भेज देते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कभी कभी क्या बोलता है कि ए प्लस बी प्लस सी टर्म करके भी देता है, तो यहाँ पे लिख देगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू थ्री ए बी सी, तो ओवरऑल फॉर्मेट सिर्फ चेंज हो सकता है, ए बी सी का प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो है, तो इसको हम लिख दिए एक्स प्लस वाई और इक्वल टू यहाँ माइनस जेड लिख दिए, चूंकि इधर प्लस में था इधर गया माइनस में हो गया, इसको ऐसे ही अब हम छोड़ दिए। अब क्या लिख दिए यहाँ पे, लिख दिए इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिए। अब यहाँ फिर से हम इसको लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड, और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो जब बोथ साइड क्यूबिंग की बात हो रही है, इसका मतलब कि इसका क्यूब करना है, आपको क्यूब करना है इसका, तो ए ए प्लस बी का क्यूब है। अब ए प्लस बी का क्यूब होता क्या है, तो ये होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजीली वे में हम आपको बता रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ पे लिख दिए थ्री एक्स वाई, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई का वैल्यू माइनस जेड है जो इक्वेशन फर्स्ट में है, तो यहाँ पे माइनस जेड लिख दिए इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड, अभी आपका क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब ए इंटू होगा माइनस से, तो यह आ जाएगा माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब इसको क्या आप लिखिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ए इधर चला आएगा तो ये बन जाएगा प्लस जेड क्यूब, और ए इधर चला जाएगा तो बन जाएगा प्लस थ्री एक्स वाई जेड, और यही आपका था प्रूफ करना, जो कि प्रूफ हो गया। डियर स्टूडेंट, हम आपको तीन क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहे हैं, और इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
अभी जस्ट इससे बेस्ट क्वेश्चन समझाए थे उसी को इसमें आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चंस है जो कि ए प्लस बी के क्यूब के फॉर्म में इसको करके सॉल्व करना है और सेकंड क्वेश्चंस भी, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एनसीईआरटी से। तो आज का वीडियो इतना ही रखेंगे, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए, और नेक्स्ट वीडियो भी पॉलिनोमियल्स का कंटिन्यू रहेगा। थैंक्स।